नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जो कहानी है दो बैलों की कथा। और ऑनलाइन कक्षाओं में आपकी कक्षा जो नौवीं है उसमें अनिवार्य हिंदी, पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग एक और उसका जो गद्य खंड है उसका पहला अध्याय प्रेमचंद। और उसमें कल हमने अध्ययन किया था भाग एक के अंतर्गत प्रेमचंद के परिचय के बारे में। और आज हम उनके द्वारा जो रचना है, जो कहानी है दो बैलों की कथा, उसका आज हम अध्ययन करेंगे भाग दो के अंतर्गत। तो इसमें दो बैलों की जो कथा है वो बताई गई है कि किस प्रकार से वो किसान के संगी होते हैं, मित्र होते हैं, और किस प्रकार से वे स्वामी भक्त होते हैं, तो ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम दो बैलों की कथा कि इसमें किस प्रकार का जो भाव है वो बताने का प्रयास किया गया है। पहले हमने मूल भाव में इस मूल पाठ जो था ना, जो मूल भाव है इसका पाठ का, वो हमने पढ़ा था कि इसमें प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। और इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती और बार बार संघर्ष करना पड़ता है। और परोक्ष रूप से इन्होंने इस कहानी के माध्यम से जो अंग्रेजी जो आज़ादी है, अंग्रेजों के जो शासन से आज़ादी का जो आंदोलन है उसकी भावना से जुड़ी हुई है। और इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कथा परंपरा है उसका उपयोग किया है। तो चलिए अपने आगे पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। अब देखिए, बुद्धिहीन जिसमें कोई बुद्धि नहीं है गधे में। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। परले दर्जे का मतलब कि बिल्कुल ही निकृष्ट कह सकते हैं, अपने बेवकूफ़ कह रहे हैं उसको, तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। अब देखिए, इसमें लेखक कहते हैं कि गधा सचमुच के अंदर ही बेवकूफ़ है या उसके सीधापन, जो निरापद सहिष्णुता है, जो अत्यंत ही सहनशीलता रखता है, तो उसके कारण से यह पदवी उसको दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। अब आपने देखा होगा कि गायें जो है वो सींग मारती है, लेकिन जब ब्याई हुई है, जब उसके बच्चा हुआ है गाय के, तो वह अनायास ही शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। अब देखिए, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो हर प्रकार से जो जुर्म को सहने वाले हैं, जो अन्याय को सहने वाले हैं ना, उनके लिए गधे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसमें लेखक। और गधा कभी क्रोध नहीं करता, और ऐसा क्रोध करता वो हमने सुना भी नहीं है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाएं भी न दिखाई देगी। अब ये इतना गरीब है कि इसको चाहे कितना ही मार दो, है ना, चाहे कितना ही खराब जो चारा इसको दे दो, सड़ी हुई घास इसके सामने डाल दो, लेकिन कभी भी यह असंतोष नहीं दिखाता उसमें, उसको खा ही लेता ही है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं दिखा। अब बैसाख का महीना ना, एक आध कुलेल मतलब कि गुलेटियाँ मारना। तो लेखक कहता है कि कभी हमने उसको खुश नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि या हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। देखिए कितना अधिक वो सहनशील है, लाभ हानि से उसे कोई मतलब नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि सारे जो ऋषि मुनियों के जो गुण हैं वे पराकाष्ठा से उनके अंदर पहुँच चुके हैं, और आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अब देखिए, अच्छे गुण, उनका अनादर कहीं भी नहीं देखा हमने। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, लेखक खुद ही इसमें कह रहे हैं कि इतना अधिक सीधापन जो है ना, संसार के लिए अच्छा नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब ये स्वाधीनता आंदोलन के समय की बात इसमें कह रहे हैं, आज़ादी के लिए कह रहे हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका के अंदर देखिए कैसी दुर्दशा हो रही है। गोरे और काले में भेद वहाँ हो रहा था, तो ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए कैसी व्यवस्था दुर्दशा हो रही है वहाँ पे भारतीयों की। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं,
जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। अब देखिए गधे के साथ में तुलना की गई है भारतीयों की, कि काफ़ी जो है सीधापन लिए हुए हैं, और लेखक कहता है कि इतना अधिक सीधापन भी नहीं होना चाहिए। अगर इतना सीधापन होने के कारण से देखिए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, अमेरिका के जो लोग उनको घुसने नहीं देते अमेरिका के अंदर, और ना ही यहाँ के जो लोग हैं भारतीय जो शराब पीते हैं और कुसमय के लिए बुरे समय के लिए पैसा बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा तक नहीं करते। अगर इनको कोई चार बातें कह दे तो ये चुप रहते हैं, फिर भी ये बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अब जीवन का आदर्श यानी कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप अन्याय को सहन करते रहते ना तो वह आदर्शात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि वो आपका कायरता पूर्ण आचरण हम कह सकते हैं। अगर वे भी इनका जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अब इसमें लेखक कहता है कि अगर भारतीय भी अगर इनका जवाब पत्थर से यानी किसी ने एक कहा तो उसको दो कहते हैं, या जो कोई व्यवहार ऐसा हमारे साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसका जवाब देते हम तो हम सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, गण्य मतलब गिनने योग्य बना दिए, जबकि जापान एक छोटा सा देश है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब देखिए गधा जो है दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी पिटाई भी की जा रही है, उसको खाना वगैरह वो भी नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी वो किसी से असंतोष प्रकट नहीं करता। तो भारतीयों की स्थिति वैसी ही है कि अंग्रेज जो हर प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं और उसके बदले में वो उनकी सेवा कर रहा है, रूखा सूखा अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो वैसे का वैसा ही अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है। तो लेखक कहता है कि गधे का एक छोटा भाई भी है और वो है बैल। अब बैल भी दिन रात मेहनत करता है ना, और वह भी अपने मालिक के प्रति असंतोष प्रकट नहीं करता, उसको जैसा दे दिया वो वैसे ही खा लेता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उस कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए मुहावरे का प्रयोग कर दिया इसमें, बछिया के ताऊ यानी कि बैल को बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः वो उसका स्थान गधे से नीचा है। अरे गधे जैसी सहनशीलता बैल में नहीं है, कभी कभी वो अड़ियल हो जाता है और कई बार तो वो सींग मार देते हैं ना, और कई बार तो असंतोष प्रकट करता है, वो काम वगैरह भी नहीं करता, अगर हल में जोता हुआ तो वो हल वगैरह लेके भाग जाता है, तोड़ देता है। इस प्रकार से लेखक कहता है कि अगर हम देखें तो गधे से ये नीचा है। ये झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब कहानी प्रारंभ हो रही है इसमें, झूरी काछी नाम का व्यक्ति है तो उसके पास में दो बैल थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। अब ये पछाई जाति ना श्रेष्ठ जाति का नस्ल के माने गए हैं इसमें, कि देखने में अत्यंत सुंदर थे, काफ़ी काम में चौकस थे, जो काम किया जाता तो उसमें पूर्ण रूप से कार्य करते थे, डील में ऊंचे यानी कि ऊंचे कद काठी के थे ये। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, विचार विनिमय मतलब बातचीत करते थे ये, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ आता था हम नहीं कह सकते। अब ये है ना, दूसरे के मन की बात को कैसे समझ सकता था ये हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही ढोल दफा होने लगता है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि कभी कभी वो सींग मिला लेते, तो सींग मिलाने का मतलब ये नहीं कि वो आपस में झगड़ते थे, बल्कि विनोद के भाव से यानी खेल के भाव से, आत्मीयता के भाव से, और दोस्ती को घनिष्ठ करने के लिए वो ऐसा करते थे। इसके बिना दोस्त कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते
साथ नांद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। अब देखिए कितना अधिक बैलों के बीच में मित्रता हो गई है। हीरा और मोती नाम के बैल हैं इनमें। तो जब ये हल में जोते जाते तो दोनों ही चाहते कि उन जो दूसरे का वजन है वो उसके ऊपर आ जाए। तो जब इनको शाम को खोला जाता तो एक दूसरे को चाट कर एक दूसरे की थकान मिटाते हैं। और जब नांद में भूसा डाल दिया जाता, खल डाल दी जाती, तो वे दोनों साथ में खड़े होते, दोनों साथ में ही खाते थे। और एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब उसकी पत्नी थी, ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेज जा रही हैं। अब गोई मतलब यानी कि जो दोनों बैल हैं उनको ससुराल भेज देता है उनके अपने, समझें मालिक ने हमें बेच दिया। अब देखिए बैलों के मन में कैसी प्रेम की भावना जो है किसान के प्रति थी, काछी के प्रति। तो उसको लगा कि उन दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया गया, तो बैलों को लगा कि उनको बेच दिए हैं, तो समझे मालिक ने हमें बेच दिया है, अपना यो बेचा जाना उन्हें, अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई मतलब दोनों बैलों को अपने घर तक ले जाने बहुत पसीना आया, क्योंकि वो अड़ गए थे बीच में। उनको लगा कि उनके मालिक ने उसे बेच दिया है, तो उनको अच्छा लगा या बुरा ऐसे क्या कह सकते हैं। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। अब पगहिया मतलब नाक के अंदर जो नथ वगैरह जिसको अपने कह सकते हैं ना, वो पकड़कर जब आगे खींचता तो पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। अब बैलों को ऐसा लग रहा है कि उनके मालिक ने उनको बेच दिया है, जबकि ऐसा नहीं था। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, क्योंकि काछी जो किसान था उसके साथ में उनकी आत्मीयता बहुत अधिक हो गई थी, तो वे उसी के घर को अपना घर समझ रहे थे। तो उनको ऐसे लग रहा था कि नया घर है, नया गांव है, नए आदमी, और उनको सभी ये बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहें तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। अब सोता पड़ गया मतलब सभी सो गए थे, रात का समय हो गया है, तो जोर मारकर जो उनकी रस्सियां बंधी हुई थी ना उनको तोड़ लिया और घर की तरफ चल दिए। पगहें मजबूत, बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, दूनी मतलब दुगनी शक्ति आ गई है। एक एक झटके से रस्सियाँ टूट गईं। अब क्यों टूट गई, क्योंकि वो तो अपने घर पे जाना चाहते थे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। अब देखिए अपने मालिक के प्रति कितनी इनकी निष्ठा कह सकते हैं, कितना अधिक प्रेम था कि वे रातों रात ही अपने मालिक के घर पे पहुंच गए और कीचड़ में सने हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों के अंदर एक विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, स्नेह से मतलब प्रेम से गदगद हो गया कि देखो मेरे जो बैल हैं मुझसे काफ़ी प्रेम करते हैं। तो अत्यंत आनंदित हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम मालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अब बाल सभा यानी कि छोटे बच्चे ना, उनकी सभा ने निश्चय किया कि दोनों जो पशु वीर हैं उनको अभिनंदन करना चाहिए, उनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, अब अभिनंदन पत्र ऐसे नहीं कि किसी कागज़ के ऊपर लिख के दे दिया कि आप तो बड़े वीर हैं और हैं, है ना,
बल्कि कोई अपने घर से रोटी लेकर आ रहा है, कोई गुड़ लेकर आ रहा है, कोई चोकर, चोकर मतलब जिसको अपने छानस कहते हैं ना, और कोई भूसी लेकर आ रहा है, भूसा यानी कि जो चारा वगैरह वो लेकर आ रहा है। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। अब दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। अब देखिए किस प्रकार से बच्चों के अंदर ऐसी जिज्ञासा हो रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि एक बालक कहते हैं कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे जो दूर कहीं चले गए हैं, कोई ले गया है वापस ये घर पे आ गई हैं। और दूसरे ने भी समर्थन किया कि अकेले चले आए हैं, देखो कितनी दूर से ये। और तीसरा बोला कि बैल थोड़ी हैं, ये तो किसी जन्म के आदमी हैं। ये इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब जल उठी मतलब उसका भाई ले गया था ना, तो उसके मन में ऐसे विचार आ रहे कि वो तो ले गया है लेकिन ये वापस कैसे आ गए। बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। अब देखिए किस प्रकार से इनको नकार रही है, बैलों को वो प्रशंसा नहीं कर रही है बल्कि उनसे जल रही है वो। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब पति पत्नी के बीच में भी बातचीत हो रही है। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। अब देखिए किस प्रकार से वो जल रही है, इनके ऊपर क्रोध कर रही है कि उनका भाई उनको लेके गया था और वहाँ एक दिन भी काम नहीं किया और वहाँ से ये चले आए। तो दोनों के बीच में बातचीत जब हो रही है झूरी और उसकी पत्नी के बीच में, तो एक दूसरे पे यानी कि मजाक में वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो मजाक है वह झूरी की पत्नी को लग जाता है और वो कहती है कि नहीं ऐसा अगर है तो मैं इसको सूखा भूसा किसी और कुछ नहीं दूंगी, चाहे ये खाएं चाहे मरें। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। अब जो नौकर है ना वो भी डर रहा है मालकिन से, चुरा कर डाला। अब ये झूरी कह रहा है उसे न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, अब उन्हीं के समान कहोगे अगर मैंने चुरा कर डाल दिया तो। ये तो था पहला भाग हमने पढ़ा है इसके अंदर, कि पहले वो जो झूरी है, झूरी काछी जो है वो अपने बैलों को अपने साले को दे देता है गया को, लेकिन वहाँ से वो भाग कर आ जाते हैं और उनके साथ में घर पे आने के बाद में उसकी पत्नी जो कैसी हालत करती है, ये तो था पहले दृश्य में। और जो दूसरा दृश्य है वो आगे बढ़ते हैं हम, तो वापस वो उसका साला वापस आता है झूरी का, तो फिर क्या कैसी स्थिति रहती है, तो उसी का वर्णन आगे हम दूसरे भाग में पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जो इसका दूसरा अंश है। कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, और वो तो पहले दिन की घटना थी, अब दूसरे दिन की घटना क्या है देखिए, और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, अब गाड़ी में जोत के लेके जा रहा है, पहले तो वैसे लेके जा रहा था लेकिन अब की ओर गाड़ी में जोत के लेके जा रहे हैं। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। अब देखिए एक तो विद्रोह करने वाला और दूसरा सहनशील भी है इसमें, हीरा जो है ना वो सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की श्रार्थ का मजा चखाया। अब पहले तो थोड़ी पतली रस्सियाँ थी लेकिन अब मोटी जो है ना रस्सियाँ वो उनसे बांध दिया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अब उसके जो बैल थे ना गया के, तो उनको तो उसने खल वगैरह जो खली वगैरह चूना वगैरह चून वगैरह सब कुछ डाल दिया, आटा वगैरह सब कुछ डाला उसको, लेकिन उन दोनों को हीरे और जो हीरा और मोती थे उनको सूखा भूसा दिया था। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था, झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी। अब देखिए कैसा व्यवहार किया जा रहा है इनके साथ में, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा।
अब ये सम्मान भी आहत हुआ उनका और जो खाने के लिए भी सूखा भूसा मिल रहा है। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, दूसरे दिन गया नहीं, बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाई। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। अब जो हीरा ना वो सेंसिल था, लेकिन मोती जो उसको काफ़ी गुस्सा आता था, तो वैसे बताया कि वो गुस्से से बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गई। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से क्या कहाँ तक बचेंगे। अब देखिए दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, हीरा और मोती। अब हीरा कहते हैं कि भागना व्यर्थ है। अब मोती कहते हैं कि अगर वहाँ से नहीं भागते तो वो तुम्हारी जान ही ले लेता। तो हीरा कहते हैं कि अब तो बड़ी मार पड़ेगी। अब मोती कहते हैं कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो ऐसा करना ही पड़ेगा, मार तो खानी पड़ेगी, मार तक कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमी के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अब मोती काफ़ी यानी कि कह सकते हैं क्रोधित था, तो वो कहते हैं कि अगर वो मुझे मारेगा ना तो मैं तो एक दो दिखा दूंगा उनको, गिरा दूंगा एक दो। तो वो कहते हैं, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत होगा। मसलहत मतलब कि अच्छा होगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुँह में देकर चली गई। अब देखिए किस प्रकार से एक छोटी जो बच्ची है उसके मन में कितना अधिक प्रेम भाव है। वो दो रोटियां लेकर आ रही हैं छुपकर और चुपचाप उनके दोनों के मुँह में देकर चली गई है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब क्योंकि ये जो छोटी बच्ची थी इसकी माँ मर चुकी है और इसी कारण से इसको बैलों से आत्मीयता हो गई थी, तो उसके लिए रोटी लेके आती है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियाँ खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों की दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो। अब हीरा कह रहा, आपस में बातचीत करेंगे, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो तुम, तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटे ही कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। अब देखिए कितना वो बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं और किसी प्रकार से किसी को नुकसान भी पहुँचाना नहीं चाहते। रात को जब बालिका रोटियाँ खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूछे खड़ी हो गई। इनकी आत्मीयतापूर्ण जो व्यवहार है ना वो हो रहा है और जो बैल है वो भी अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रही हैं। उसने उनके माथे सहलाए और बोले, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। अब देखिए कितनी अधिक आत्मीयता है उस बालिका के मन में भी, उसको भी इन पे हो रहे अत्याचारों से वह भी परेशान है, दुखी है। तो वो कहती है कि चुपके से भाग जाना, मैं तुम्हें खोल देती हूँ।
नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नथ डाल दी जाए। उनसे घराव खोल दिया, उसने घराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब देखिए, अचानक वो लड़की चिल्लाने लगी है कि फूफा वाले बैल जो भागे जा रहे हैं, ओ दादा जल्दी आओ। दादा यहाँ पे पिता के लिए कहा गया कि जल्दी आओ, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। अब देखिए इसमें किस प्रकार से बताने का प्रयास किया है कि भारतीय जो हैं, अब इसमें भारतीयों को परिचय बता दिया बैलों को, और जो गया है वह दुष्टता का परिचय बता रहा है इसमें लेखक जो है। वो कहते हैं कि हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। अब देखिए दोनों आप आत्मीयता का भाव प्रकट कर रहे हैं। जब उसको मोती को लगा कि खेल में हो सकता है झगड़ा हो जाए, तो वो साइड में हट गया। तो इस प्रकार से जो दूसरा अंश हमने पढ़ा है इसमें, जो दूसरा भाग इसका हमने पढ़ा है, जिसमें एक छोटी बालिका जो है इनको खोल देती है और किस प्रकार से ये भाग जाते हैं, तो यहाँ तक आज हमने अध्ययन किया है। तो आगे के जो भाग हैं उनमें भी हम अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से ये जो हैं पकड़ लिए जाते हैं और इनके साथ में कैसा होता है, तो ये हम अध्ययन करेंगे आगे के भाग में। आज के लिए इतना ही। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।